यह क्वेश्चन कांस्टेंट रिलेशन बेस्ड एक अच्छा सा क्वेश्चन है और टेस्ट में भी बहुत पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेस्ड है। कह रहा है कि एक पुली इधर है, एक पुली यहाँ पे है, एक ब्लॉक है जो कि 10 मीटर पर सेकंड से कि कांस्टेंट स्पीड से इधर जा रहा है, जबकि ये वाला ब्लॉक 10 मीटर पर सेकंड के कांस्टेंट स्पीड से नीचे कूद जा रहा है। तो बताइए इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन, जब ये वाला एंगल थीटा 60 डिग्री है जबकि ये लेंथ 4 मीटर है, ये भी लेंथ 4 मीटर है, तो पूछ रहा है कि इसका एक्सेलरेशन बताइए जबकि इस ब्लॉक की स्पीड कांस्टेंट है। तो चलिए, अगर हमें इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि इसकी वेलोसिटी कितनी है। अच्छा, इस स्ट्रिंग और इस स्ट्रिंग के बीच में एंगल क्या बदल रहा है? बदल रहा है, तो सीधे हम a बराबर a1 प्लस a2 जैसे फॉर्मूले नहीं लगा सकता, तो फिर भी कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे और उस v को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। ओके, तो अब v निकालना है तो कांस्टेंट रिलेशन निकालना पड़ेगा v और इस टेन और इस टेन और इस एंगल थीटा में, तो कांस्टेंट रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे हम लोग। ओके, और कांस्टेंट रिलेशन के लिए हम लोग इसको मान लेंगे x1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे x3, इसको मानेंगे x4। इसके बाद और ये कैसे क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि दोनों स्ट्रिंग के बीच का एंगल थीटा धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो इस सेगमेंट को मैंने x1 बोला, इसके इसके बीच करी x1, इसके इसके बीच करी x2, इसके इसके बीच करी x3, इसके इसके बीच करी x4। तब क्या लिखेंगे? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बराबर कांस्टेंट कर दिया। अब इस पुली, अब x1 के नीचे लिखना मतलब डिफ्रेंशिएट करूँगा और डिफ्रेंशिएट करके नीचे लिखूँगा, तो डिफ्रेंशिएट करके क्या बनेगा? dx1 by dt, dx2 by dt, dx3 by dt, dx4 by dt बराबर जीरो। तो अब x1 के नीचे लिखना है, तो ये ब्लॉक नीचे रहा कितने से? 10 से, तो बढ़ा रहा है ना, तो प्लस 10 लिखेंगे। और ये सेंटर नीचे आ रहा है? नहीं, तो क्या लिखेंगे? जीरो। अब लिखना x2 के नीचे, x2 के नीचे ये सेंटर इधर भाग रहा है? नहीं, तो जीरो बनेगा। और ये जो ब्लॉक है यू से ऊपर जा रहा है, अगर यू से ऊपर जा रहा है तो इसका कंपोनेंट इधर कितना आएगा? यू कॉस थीटा। रिपीट कर रहा हूँ, हमेशा स्ट्रिंग के डायरेक्शन में कंपोनेंट करते हैं, अगर ये यू से ऊपर जा रहा है तो ये यू से ऊपर जाएगा, इसका कंपोनेंट इधर आएगा, तो कितना बनेगा? माइनस यू कॉस थीटा, दिस इज वी, तो माइनस वी कॉस थीटा इसका। अब एक्स थ्री के नीचे लिखेंगे, एक्स थ्री के नीचे, एक्स थ्री के नीचे ये वाला ब्लॉक वी से ऊपर जा रहा है, वी से ऊपर जा रहा है, तो वी का कंपोनेंट इधर आएगा, वी कॉस थीटा। तब क्या लिखेंगे? माइनस भी कॉस थीटा। अब पुली का सेंटर भाग रहा है इधर? नहीं, क्या लिखेंगे? जीरो। अब x4 के नीचे लिखते हैं, x4 के नीचे ये सेंटर इधर आ रहा है? नहीं, बट ये नीचे जा रहा है तो बढ़ा रहा है ना, क्या लिखेंगे? प्लस 10 बराबर जीरो। तो दिस इज द कांस्टेंट रिलेशन। तो हमने कांस्टेंट रिलेशन इस्टेब्लिश किया, रिपीट कर रहा हूँ कैसे किया, x1 x2 x3 x4 का सम कांस्टेंट कर दिया। x1 के नीचे ये ब्लॉक नीचे जा रहा है रस्सी के डायरेक्शन में, तो बढ़ा रहा है तो प्लस 10 लिखा। पुली के सेंटर आ रहा है नीचे? नहीं, तो जीरो लिखा। x2 के नीचे ये वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा है यू से, तो यू का कॉस कंपोनेंट स्ट्रिंग के डायरेक्शन में आएगा, यू कॉस थीटा, रस्सी को घटाने की कोशिश करेगा तो माइनस यू कॉस थीटा, मतलब वी कॉस थीटा। और ये सेंटर इधर भाग रहा है? नहीं। फिर इस x3 के नीचे ये वी से इधर जा रहा है, तो वी का इधर कंपोनेंट वी कॉस थीटा आएगा, कम करने की कोशिश कर रहा है तो माइनस वी कॉस थीटा। सेंटर जा रहा है? नहीं, तो जीरो। x4 के नीचे ये इधर जा रहा है, बढ़ा रहा है, तो प्लस 10 बराबर जीरो। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आपको वी की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2v, और यहाँ से 10 10 20, तो इसको इधर टू भी को इधर भेज दीजिए और थीटा से डिवाइड कर दीजिए, तो ये बनेगा 10 अपॉन कॉस थीटा। तो इस तरीके से आपने इस वेलोसिटी और इस थीटा में रिलेशन इस्टेब्लिश कर ली दिस वन। तो भी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इट इज 10 sec थीटा, तो भी बराबर हो गया 10 sec थीटा, भी की वैल्यू होगी 10 sec थीटा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन बताइए, तो आप क्या करेंगे? इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो डी भी अपॉन डी टी बराबर 10 तो कॉन्स्टेंट है, और sec थीटा रिलेशन क्या बनेगा? sec थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा अपान डी टी, दिस वन क्वेश्चन नंबर वन। अब ये डी वी अपान डी टी ही तो एक्सेलरेशन ही है, ये जो एक्सेलरेशन है इसका ए, वो डी वी अपान डी टी ही तो है। चलिए, अब हमारा आंसर पाने के लिए थीटा के बोलो क्वेश्चन दिया गया 60, जब थीटा 60 डिग्री है तो बताइए एक्सेलरेशन कितना होगा। तो थीटा यहाँ पे 60 प्लेस कर सकते हैं, इसके पे 60 प्लेस कर सकते हैं, बस डी थीटा अपान डी टी निकल जाए तो आपका आंसर आ जाए। ओके, तो डी थीटा अपॉन डी टी निकालना है क्योंकि थीटा तो पता है। क्वेश्चन पूछेगा था फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक व्हेन दिस एंगल थीटा इज 60 डिग्री, तो आपको डी थीटा अपॉन डी टी निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा? हमने कहा कि ये काम करते हैं किसी तरीके से, अगर इसे निकालना है तो इस थीटा का हेल्प लेना पड़ेगा, इस थीटा में कुछ रिलेशन इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तब जाके आंसर आएगा।
तो चलिए करते हैं। अच्छा, इस डिस्टेंस को अपने मन से मैंने एक्स मान लिया, एक्स मान लिया इसको, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं लिखूं कि टेन थीटा किसके बराबर है, तो आप क्या लिखेंगे? टेन थीटा बराबर फोर अपान एक्स, फोर अपान एक्स लिखेंगे ना, टेन थीटा बराबर फोर अपान एक्स, इस दूरी को अपने एक्स माना है। अच्छा, इस एक्स को मैंने इसी को क्यों एक्स माना, इसका फायदा यह है एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट है और ये पॉइंट ऊपर को जा रहा होगा तो एक्स घटेगा, और ये पॉइंट ऊपर को किस स्पीड जा रहा है, वी की स्पीड से जा रहा है। अगर ये वी की स्पीड से जा रहा है ऊपर की ओर, वी की स्पीड से ऊपर जा रहा है, तो डी एक्स अपॉन डी टी क्या होगा, माइनस वी के बराबर होगा। तो अगर हम इसी को एक्स मानेंगे तभी तो इस एक्स का डिफरेंशिएशन वी से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि आप जब एक्स मानेंगे थीटा निकालेंगे टेन थीटा तो डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा आपको, और जब तक डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तब तक आपको डी थीटा अपॉन डी टी कैसे मिलेगा। तो हमने क्या किया, इसको एक्स मान लिया, तो इस ट्रायंगल के अंदर टेन थीटा बराबर फोर अपॉन एक्स, फोर अपॉन एक्स। अब इसको ना लिख सकते हैं हम क्या, टेन थीटा इक्वल्स टू फोर इंटू एक्स पॉट माइनस वन। अब डी थीटा अपॉन डी टी चाहिए तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, बनेगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी बराबर फोर, और इसका डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में, तो माइनस वन इंटू एक्स पॉट माइनस टू इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। तो यहाँ से क्या आ गया, डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू मिल गई माइनस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस फोर अपान इसको नीचे बनेंगे एक्स स्क्वायर, और सेक स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बनेगा, नीचे सेक स्क्वायर वो ऊपर बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स अपान डी टी आ गया। अब डी थीटा अपान डी टी चाहिए तो हमने क्या किया, इनकी वैल्यू डी एक्स अपान डी टी क्या है, वेलोसिटी भी है, इसको यहाँ प्लेस करेंगे। अच्छा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी थीटा अपान डी टी की जगह पे माइनस फोर अपान एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी एक्स अपान डी टी, डी एक्स अपान डी टी ही तो भी है अभी, क्या डी एक्स अपान डी टी माइनस भी होगा, क्यों, क्योंकि ये दूरी घट रही है तो पार्टिकल ऊपर जा रहा है, तो आप लिखेंगे डी एक्स अपान डी टी पे क्या लिखेंगे, माइनस भी। अब माइनस भी किसके बराबर है, टेन सेक थीटा के, तो आप यहाँ लिखेंगे माइनस टेन सेक थीटा, क्यों, क्योंकि डी एक्स अपान डी टी भी के बराबर है। अब यहाँ से देखिए ये बन जाएगा क्या, माइनस माइनस प्लस, इट इज़ फोर्टी अपान एक्स स्क्वायर, एंड कॉस स्क्वायर एक, एक कॉस एक सेक को वन बदल देगा तो बन जाएगा कॉस थीटा। अब इसको उठा के आप यहाँ प्लेस कर दीजिए तो एक्सेलरेशन भी हो जाएगी, टेन सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और इसके जगह क्या लिखेंगे, फोर्टी अपान एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन गया कितना, चार सौ टेन थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए आपको, एक्स की वैल्यू मिले तो आंसर है ना, क्योंकि आपको एक्स तो पता नहीं है, बट एक्स पता है इस फॉर्मूले से, देखिए टेन थीटा क्या है, फोर अपान एक्स है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, फोर अपान टेन थीटा। तो आप क्या लिखेंगे, फोर हंड्रेड इंटू टेन थीटा एंड डिवाइड बाई टेन थीटा, एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स की जगह पे लिखेंगे फोर अपान टेन थीटा, फोर अपान टेन थीटा का स्क्वायरिंग करेंगे, क्योंकि एक्स की बुलाएगी फोर अपान टेन थीटा, एक्स की बुलाएगी फोर अपान टेन थीटा, यहाँ प्लेस कर दिया, तो इस तरीके से एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई 400, और टेन थीटा ऊपर जाएगा तो बनेगा टेन क्यू थीटा एंड डिवाइड बाई फोर का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 अपान फोर, क्योंकि एक फोर कटेगा तो 100 अपान फोर, और टेन थीटा, और थीटा क्वेश्चन क्या दिया गया, 60 डिग्री, तो प्लेस कर दीजिए तो बनेगा टेन ऑफ 60 डिग्री का होल क्यूब, तो 60 प्लेस करिए तो बनेगा 25, और टेन 60 रूट थ्री का क्यू करेंगे तो बनेगा 3 इंटू रूट थ्री, तो वैल्यू इज 75 रूट थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस इज आंसर। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताइए, तो आंसर इज 70 रूट थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज अ इजी क्वेश्चन, इजी नहीं कहेंगे, अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि अगर इसको कॉन्स्टेंट स्पीड से खींच रहा हूँ, इसको इधर खींच रहा हूँ, तो इसका एक्सेलरेशन बताइए। तो सबसे पहले कॉन्स्टेंट रिलेशन मैंने इस्टेब्लिश की, फिर फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, डी थीटा अपॉन डी टी निकालना है तो इस ट्रायंगल का हेल्प लिया टेन थीटा, फिर उसको डिफरेंशिएट किया, फिर वैल्यू प्लेस किया, और यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ प्लेस कर दिया, फिर सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। ओके,